जो वेलकम टू माय मैथ्स गुरु, जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन सेकंड चैप्टर का 2.1 का कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था। उसी का जो कुछ रिमेंडिंग क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। सो ध्यान दीजिए इस पर। एट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 2x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 18। तो आप वो देख रहे हैं यहाँ पे कि 2x को 3 जो है वो डिवाइड करता है, तो ऑफकोर्स 18 को जाके क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2x इज इक्वल टू 18, 3 डिवाइड कर रहा है। जैसे कि मैंने आप लोग उस टाइम में डिस्कस किया था कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड होगा तो राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वही काम हमें करना है, 3 डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि x की वैल्यू 18 3 जा 54 होता है, और 2 यहाँ पे डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई भी है, 2x को मल्टीप्लाई भी करता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 2x को मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 54 को जाके क्या कर देगा, डिवाइड, यानी कि x की वैल्यू हमारा 27 आ जाएगा। ये हमारा x की वैल्यू होगा। क्या एट सेवेंथ क्वेश्चन था, वहीं सिमिलरली अगर एट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं तो एट क्वेश्चन में देखिए कि y जो वेरिएबल है हमारा वो राइट हैंड साइड में है, तो वेरिएबल को हमारा कॉन्स्टेंट जो टर्म है वो डिवाइड कर रहा है, आई मीन 1.5 y को डिवाइड कर रहा है, तो वो 1.6 को जाके क्या कर देगा, मल्टीप्लाई। तो ध्यान दीजिए इस पर, 1.6 और 1.5 जो हमारा डिवाइड कर रहा है वेरिएबल को वो जाके मल्टीप्लाई करेगा एंड देन y। 1.6 को जब 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो 240 आएगा, और पॉइंट हमारा, इसको भी ध्यान देने वाली ये भी बहुत जरूरी बात है कि पॉइंट देखिए कि 1.5 यानी कि पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है, यानी कि 1, 2, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट हमारा शिफ्ट हो जाएगा इज इक्वल टू वाई, यानी कि इसको हम सिंपल लिख सकते हैं 2.4 इज इक्वल टू वाई। तो ये हमारा वाई की वैल्यू आ गया। वाई को हम लोग देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन तो सिंपल है, 7x कॉन्स्टेंट को हम राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे बिकॉज ये राइट हैंड साइड में वेरिएबल के साथ है, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट जो है वो माइनस हो रहा है, यानी कि 9 माइनस हो रहा है, तो इस साइड में जाके ये प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 16 वाई इधर माइनस हो रहा है तो जाके क्या होगा, प्लस, यानी कि सबसे पहले तो इसको सॉल्व हम कर लेंगे, 16 प्लस 9 25 होता है और 7x। अब ध्यान देंगे हम लोग कि 7 इधर x को मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि राइट हैंड साइड में जाके क्या कर देगा, डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 7। हम लोग इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं बिकॉज ये फ्रैक्शन है एंड बोथ आर ऑड नंबर एंड 7 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, सो इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही हम लोग छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया हमारा 7, 8 और 9 क्वेश्चन। 3 और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि एनसीईआरटी बुक का ही है, फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो हमारा 10th जो क्वेश्चन है, 14y - 8 = 13। वहीं पे 11th क्वेश्चन है हमारा, 17 + 6p = 9। वहीं पे हमारा 12th जो क्वेश्चन है वो हमारा है x/3 + 1 = 7/15। सबसे पहले हम 10th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 10th नंबर क्वेश्चन में जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि 8 जो है वो माइनस हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो 14y = 13। 8 इधर निगेटिव है तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा,
8. सिमिलरली 14y इज इक्वल टू 13 प्लस 8 21 होता है 21 और 14y को मल्टीप्लाई कर रहा है तो 21 को जाके क्या कर देगा डिवाइड करेगा तो 21 अपॉन में 14. ये हमें 7 से ये दोनों डिविजिबल है बोथ आर डिविजिबल तो 7 से कैंसिल कर लेंगे 7 3 जा 7 2 जा यानी कि y की जो वैल्यू आ गया वो 3y2 आ गया. तो ये हमने देख लिया 10th नंबर क्वेश्चन. वहीं पर अगर हम 11th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 11th नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में 17 है. 17 इज अ कांस्टेंट टर्म सो इसको हम लोग LHS में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6p इज इक्वल टू में 9. 17 इधर पॉजिटिव है तो इधर जाके क्या हो जाएगा निगेटिव यानी कि p की वैल्यू जो हमारा आ जाएगा हमने 17 में से 9 को माइनस करना है ना कि 9 में से 17 को माइनस नहीं कर सकते हैं ये आप लोगों को पता है. तो 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 माइनस का 8 सॉरी और ये 6 हमारा है तो 6 लिख देंगे तो p की जो वैल्यू आ जाएगा माइनस 8 p 6 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर जाके डिवाइड कर देगा. ये 2 से डिविजिबल है दोनों तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग तो ये क्या हो जाएगा 4/3 माइनस 4/3 तो ये हमारा p की वैल्यू आ गया माइनस 4/3. वहीं पे ये वाला क्वेश्चन एक देख लेते हैं हम लोग. वेरिएबल x अपॉन में 3 है यहाँ पे 1 है 1 सिंगल डिजिट है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1 बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर के फ्रैक्शन में 1 छुपा होता तो इसलिए हम लोग किसी भी डिजिट के डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं तो ये हमने यहाँ पे 1 लगा दिया तो x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 7/15 और ये 1 इधर प्लस हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा. सबसे पहले तो हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो होगा हमारा 15 एंड 1 का 15 ही होता है 15 और 1 का एलसीएम जो होगा वो 15 होगा तो x अपॉन में 3 इज इक्वल टू में इसको हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज हमारा एलसीएम 15 है तो क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 15 माइनस 15 अपॉन में 15 तो x अपॉन में 3 इज इक्वल टू में यहाँ पर भी सिमिलरली दिख रहे हैं कि 15 में से 7 को माइनस करेंगे 7 में से 15 माइनस नहीं हो सकता है तो 15 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो माइनस का 8 आएगा और डिवाइडेड बाई 15. वेरिएबल जो है वेरिएबल को 3 जो है वो डिवाइड करता है तो जाके ये हमारा कॉन्स्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर देगा तो 3 15 को डिवाइड कर रहा है यहाँ पे 3 5 जा 15 होता है यानी कि x की जो वैल्यू आएगा माइनस 8 अपॉन में 5 आ जाएगा ये हमारा x की वैल्यू हो गया. तो ये हमने डिस्कस किया आज हमारा 2.1 का फर्स्ट 2.1 जो एक्सरसाइज है वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया तो प्लीज आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए. थैंक यू.